अकोला के गांधी मार्ग के उत्सव संकुल स्थित जी महाशेर में लगी भीषण आग में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। इस भीषण आग में जी महाशेर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। अकोला के गांधी मार्ग के उत्सव संकुल के दूसरे माले पर स्थित जी महाशेर में भीषण आग लग गई। इस घटना में जी महाशेर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। आग की ये घटना सोमवार की सुबह 6:30 बजे के दौरान हुई। जी महाशेर से गहरा धुआं उठता देख इसकी सूचना तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई। भीषण आग की सूचना पाते ही दमकल विभाग ने वहां पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया था। भीषण आग की जानकारी पाते ही विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, महापौर विजय अग्रवाल, उपमहापौर वैशाली शेलके, मनपा आयुक्त अजय लहाने, पार्षद हरीश अलीम चंदानी, पार्षदा उषा विर्क, पार्षद अजय शर्मा आदि पहुंचे थे, जिन्होंने आग बुझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर संकुल के पिछले भाग की दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग को देखने के लिए बार बार भारी भीड़ जमा हो रही थी, जिसे भगाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। कोतवाली के थानेदार अनिल जुमले ने भीड़ को भगाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया था। उत्तर संकुल के पिछले भाग में किए गए 3 पतरे के अतिक्रमण को भी ढहाया गया। आग को बुझाने के लिए आरआरसी चैनल के कर्मियों ने भी अपना पूरा योगदान दिया था। भीषण आग के कारण पूरे परिसर की बिजली कट गई थी, जिसके कारण आरआरसी चैनल की सेवा शाम तक के लिए बाधित हो गई थी, जिसे बाद में बहाल किया गया। आग कैसे लगी, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। आग की भीषणता को देखते हुए कोतवाली से गांधी चौराहे तक का रास्ता और दुकानों को भी शाम तक बंद ही रखा गया था। खाली सुन ले आरामले।